अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं प्याज गोश्त। इसको प्याज गोश्त भी कहते हैं और कुछ लोग दो प्याजा कहते हैं। तो दो प्याजा बनाने के लिए हमें चाहिए प्याज। ये हमारे पास आधा किलो प्याज है। इसको हमने काट के अच्छी तरह धो लिया है और इसको सब्जी की तरह यूज़ करेंगे। एंड पे बिल्कुल हांडे की तरह पेट आएंगे। थोड़ी सी प्याज ये अलहदा है, इसमें हमने मसाला भूनना है। आधा किलो हमारे पास गोश्त है, 4 से 5 अदद हमारे पास टमाटर है, 2 टीस्पून लाल मिर्च है, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून धनिया है, 2 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्ची हैं और ये मिक्स गरम मसाला है जिसमें 1 टीस्पून काली मिर्ची हैं, 4 अदद लौंगी हैं और 1 बड़ी इलायची है। और 1 कप हमें या 1 प्याली हमें घी चाहिए। तो चलें चल के बनाते हैं प्याज गोश्त। प्याज गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम कुकर में डाल रहे हैं घी। घी हमारे पास तकरीबन 1 प्याली है। घी मेल्ट हो गया, इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और प्याज को ऊंचा पका नहीं रहने देना, अब हम डाल रहे हैं गरम मसाला। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्ची है, 1 बड़ी इलायची और 4 से 5 अदर लौंगी है। जैसे ही प्याज अच्छी गोल्डन होगी तो फिर धनिया और लहसुन डाल के हल्की हल्की ब्राउन प्याज होना शुरू हो गई गोल्डन की। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून है। धनिया डाल रहे हैं लगभग 1 टीस्पून है। लहसुन डालने लगी, लहसुन हमने अच्छी तरह इसको भूनना है और लहसुन हमने लहसुन अदरक की पेस्ट हमने 2 टीस्पून ली। अब हम गोश्त शामिल करने लगे। आधा किलो गोश्त है, अच्छी तरह गोश्त को भूनना है। नमक है हमारे पास 2 टीस्पून, इसको गोश्त के साथ इसीलिए डाल रहे हैं ताकि
गोश्त अच्छी तरह अच्छी तरह गोश्त में नमक डाला है अच्छी तरह इसको भून लेंगे जब गोश्त भून जाएगा तो फिर हम उसके अंदर बाकी के चीज़ें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर शामिल करने के लिए इसमें आपको 2 टीस्पून मटर शामिल करेंगे आधे डालते हैं आधे जो प्याज हमने रखी है उसको और हरी मिर्च ये सारी चीजें अच्छी तरह भून लिया मसाले ने घी छोड़ दिया है अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे तकरीबन 2.5 कप पी 1 कप 2 से 2.5 कप और फिर मसाला सारा भून लिया इसने ये आप देख सकते हैं और इसको अब हमने इसमें मसाले ने पानी छोड़ दिया इसका मतलब है सही से भून गया अब हम इसमें पानी डालेंगे तकरीबन 2 ग्लास और इसको कुकर में रख देंगे सीटी बजने के बाद गोश्त है क्योंकि 20 मिनट्स रखना है कुकर में और फिर उसके बाद गोश्त जब गल जाएगा तो हम टमाटर प्याज और हरी मिर्चें दम पे डालेंगे और 2 प्याज तैयार हो जाएंगे अभी भून गया तो हम इसमें पानी डाल देंगे अगर आप चिकन में बना रहे होंगे तो फिर इसको कुकर में रखने की जरूरत नहीं है वो बहुत क्विकली बन जाएगा क्योंकि ये गोश्त है इसको गलाने में टाइम लगता है इसलिए हमने कुकर में रख लिया अगर आप बगैर कुकर के पकाना चाहते हैं तो आप वो भी पका सकते हैं उसके लिए फिर आपको जितनी देर में मसाला भूनेंगे चिकन तो गल ही जाती है अब इसको उबाल आएगा तो हम कुकर बंद कर देंगे गोश्त गल गया है हम इसके तकरीबन रेडी है अब हम दम पे रखते हैं टमाटर डाल देंगे टमाटर और ये साथ में जो प्याज थी ये इसको वॉश कर लिया है प्याज को काटते हैं फिर उसके बाद उसको अच्छी तरह से धो के और उसको छानी में रख दें ताकि उसका पानी जितना भी है ना वो उसे प्याज जो है वो पानी छोड़ती है इसलिए अब पानी डालने की जरूरत नहीं है बस इसको उस तरह रख के हम हल्की आंच पे ढक देंगे और प्याज को बिल्कुल घुलना नहीं चाहिए वरना प्याज बहुत अच्छा नहीं लगेगा इसलिए हम इसको दम पे डाल रहे हैं ये साथ में हम हरी मिर्ची डाल दें ये बिल्कुल दम पे डाल दें क्योंकि हरी मिर्ची बहुत अच्छी है अब हम इसको हल्की आंच पे दम पे रख देंगे जब तक हल्का सा गलाव आएगा प्याज में और फिर हमारी प्याज गोश्त यानी
जो भी आएगा रेडी हो जाएगा, उसको जरूर ट्राई कीजिएगा, वो डिफरेंट रेसिपी है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।